अच्छा, होप सो आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। लाइक ये राउटर वन है, ठीक है। कल जैसे सारी कमांड्स इसमें लिखी थी, सीएलआई में जा रही हूं मैं, ठीक है। इनेबल हम करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल करते हैं। ओह सॉरी, कॉन्फ़िग टर्मिनल की कमांड जो है वो गलत हो गई है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी कॉन्फ़िग टर्मिनल में आ गया क्योंकि मैंने कहा कि हाँ यस यही है। और क्वेश्चन मार्क भी डाल दे किसी कमांड के आगे तो वो उसको कंप्लीट कर देता है। तो अब मुझे पता है कि मैंने अपने राउटर्स में कैसे जाना है, अपने प्रोटोकॉल्स में कैसे जाना है। मैंने लिखा था राउटर रिप, लिखा था राउटर रिप वर्जन 2 लिखा तो वो उसमें चलेगा, ठीक है। राउटर ओएसपीएफ 1 लिखा, अच्छा ये जो 1 2 3 था ओएसपीएफ के साथ प्रोसेस आईडी, वो जो मैंने बताया था 1 ओएसपीएफ 1, जैसे कि ये लिखा मैंने राउटर ओएसपीएफ 1, ये जो 1 है ना यहाँ पे ये प्रोसेस आईडी है। ये इसकी रेंज हो सकती है 1 से लेकर 65535, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। ये प्रोसेस आईडी है। इसी तरह अगर मुझे EIGRP में जाना है, भाई EIGRP भी राउटिंग का प्रोटोकॉल है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं तो वो बहुत एडवांस काम हो जाता है, लाइक वो CCNP वाला काम हो जाता है। EIGRP, ठीक है, EIGRP ये प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे भी इसके आगे भी प्रोसेस आईडी आती है। ये प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो सकती है, अगर आपने सेम रखनी है, कनेक्शन बनाना है, तो फिर आपको ये भी ओवरऑल सेम रखनी पड़ेगी अपने पूरे नेटवर्क में, ठीक है। EIGRP 1 लिखती हूँ तो ये देखें राउटर कॉन्फ़िग राउटर मोड में आ गया। बाकी सारी कमांड वैसे ही है, ठीक है, जो हम लिखते आ रहे थे कि नेटवर्क ऐड करना है, नेटवर्क को कोई भी, ये देखे मैंने ये ऐड नहीं करना क्योंकि इस तरह ये वाला सिनेरियो खराब हो जाएगा। लाइक मैंने ये नेटवर्क ऐड करना है, ठीक है। और इसके आगे जो है वो सबनेट मास्क नहीं आना, वाइल्ड कार्ड मास्क ही आना है, ठीक है जी। एरिया नहीं आना, मैं एंटर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं एग्जिट करने लगी हूँ, एग्जिट लिखती हूँ तो एक स्टेप बैक जाता है, कंट्रोल जी कर रही हूँ तो वो बैक जा रहा है, उसके प्रिविलेज मोड के अंदर आ गया है। मैम स्क्रीन ही शो हो रही। ओहो अच्छा, रुक जाएं, सबर करें। क्यों नहीं होती स्क्रीन शेयर, अब हो रही है? जी मैम अब हो रही है। अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वही सिंपल सिनेरियो किया है। ये देखें राउटर इनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड के अंदर आई। मैंने EIGRP का बताना था जैसे ओएसपीएफ का कल करवाया, ये सेम वही चीज ही है, बस राउटिंग का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। जैसे ये राउटर EIGRP और ये मैंने जो 1 लिखा है ये प्रोसेस आईडी है। हमने कल भी ओएसपीएफ के साथ लिखी थी, ठीक है, मैंने कल भी बताया था ओएसपीएफ के साथ मैंने लिखी थी। और इसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर 65535 तक, बस 65535, ठीक है। और मैंने बस सिंपल और कुछ भी नहीं किया, जैसे नेटवर्क उसमें ऐड करते हैं ऐसे ही ओएसपीएफ में ऐड करते हैं, ऐसे ही इसमें ऐड करना है, लेकिन इसमें एरिया नहीं देना, ठीक है। ओएसपीएफ में एरिया भी देते हैं हम, राउटर आईडी भी देते हैं। ये भी नेबर्स के साथ ही काम करता है। अभी मैं इनमें डिफरेंस भी आप लोगों को दिखाती हूँ, इन दोनों में क्या, ओएसपीएफ और EIGRP में डिफरेंस क्या है। बाकी और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने प्रिविलेज मोड के अंदर, कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने। लाइक मैं अब ना डिफरेंट कमांड्स लिखनी है, जैसे कि शो आईपी प्रोटोकॉल, ये आपको ये बता रहा है, ये देखें राउटिंग प्रोटोकॉल इज 1,
मैंने अभी ऐड किया है ना, जैसे मर्जी है मैं उसके अंदर तो आई हूँ ना, ये देखे मैं राउटर EIGRP के अंदर तो आई हूँ ना। हाँ जी, लेकिन ये देखें राउटिंग प्रोटोकॉल इज OSPF 1 आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेस इज नॉट सेट। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये वाले प्रोटोकॉल जो थे वो सेट हुए हैं। ठीक है, अब कंट्रोल Z प्रेस किया तो ये स्टॉप हो गया। शो IP OSPF इंटरफेस, इसके आगे कुछ हो रहा है, OSPF गलत हो गया। हाँ जी, ये देखे शो एस ओ, मैंने इसका इंटरफेस दिखाया, जैसे शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक सिंपल कमांड थी, इसी तरह इस प्रोटोकॉल की कमांड देखे। ये देखे फास्ट इंटरनेट इज आप, ये आपको बता रहा है कि ये आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन कल की थी, ये वो उसी चीज का ही डिटेल बता रहा है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जानी है। ये देखे ये राउटर ID 2.2 है, इसके साथ इंटरफेस यहाँ पे, मतलब कि ये पूरी इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है कि कौन कौन सी इसके प्रोटोकॉल के साथ अटैच है, कौन कौन सी। यहाँ पे ना इसने ऐसे बंद नहीं होना, इसको कंट्रोल जी प्रेस करके वापस जो अपने प्रिविलेज मोड के अंदर आ जाए। अच्छा, मैंने एक रीलोड की कमांड है वो भी इसी जगह पे चलती है, लेकिन मैंने ये चलानी नहीं है, इसलिए रीलोडिंग पे बड़ा टाइम लेना है। ठीक है, सेव की कमांड आप लोगों को लिखवाई हुई है। ठीक है, कॉपी स्टार्टअप कन्फिग रनिंग कन्फिग वाली WR है, ये भी सेव की कमांड है। ठीक है, कॉपी के आगे मैं देखे क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ तो वो मुझे दे रहा है कि ये चीजें हो सकती हैं इसके आगे। ठीक है, ये कमांड भी आप लोगों को आती है, पासवर्ड वाली भी बताई हुई है। इसका जो राउटर का नेम चेंज करना वो भी बताया हुआ है, मतलब कि मैंने आपको सारी कमांड जो है वो बता दी हुई है, इनकी बेसिक टू OSPF और EIGRP तक। अब जो एक उसमें चीज है, अब वो दोनों का डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, ये तो दोनों में डिफरेंस है OSPF और EIGRP। ये देखे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, हमें पता है OSPF स्टैंड फॉर यही। ठीक है, EIGRP का एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF ओपन स्टैंडर्ड है, लेकिन जो ये है EIGRP ये सिस्को वालों की तरफ से है। ठीक है, ये ओपन स्टैंडर्ड नहीं है, सिस्को इसको जो है वो सपोर्ट करता है। फास्टली रिकनवर्ज हो जाती है, मतलब कि OSPF इतना फास्ट नहीं है लेकिन जितना कि EIGRP है, क्योंकि ये इंटीरियर गेटवे है, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स इसका बैंडविड्थ बेस होता है, और इसका मैट्रिक जो है वो कंपोजिट मैट्रिक होता है। मतलब कंपोजिट क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया के ऊपर EIGRP। ठीक है जी, एल्गोरिथम इसमें डिजिक्स्ट्रा यूज होता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम है, और इसकी जो बैंडविड्थ है, लाइक चीजें दिखा रहे हैं कि ये आप एल्गोरिथम इसमें ड्यूअल होता है, मतलब कि डबल इसमें सिंपल होता है, OSPF इसमें ड्यूअल दोनों तरह का एल्गोरिथम दोनों साइड से हो सकता है। इसकी बैंडविड्थ बता रहे हैं कि लो डिले बाय डिफॉल्ट इज यूज इन फार्मूला, लेकिन OSPF में बैंडविड्थ लो डिले जो है वो डिफॉल्ट नहीं होता। ठीक है, ये चीजें याद रखनी। हाँ जी, राउटिंग टेबल है, अगर इसका राउटिंग टेबल देखना है, शो IP राउट नेबर टेबल देखना है, तो IP OSPF नेबर, मैंने कल आपको इसकी कमांड लिख के बताई है। अगर इसका EIGRP का टेबल देखना है, शो IP EIGRP नेबर लिख लें। ठीक है, बस वो वर्डिंग चेंज करनी है, OSPF लिखा है जहाँ पे वहाँ पे EIGRP लिख दें। अगर टोपोलॉजी देखनी है, चीजें सेम रखनी है, लाइक इसकी देखना है डेटाबेस, तो इधर आना है शो IP OSPF डेटाबेस, और इधर आना है शो IP EIGRP टोपोलॉजी। थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें, ये पैकेट्स हैं इनके OSPF में, हेलो डाटा डिस्क्रिप्टर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट लिंक स्टेट अपडेट लिंक स्टेट एक्नॉलेज, ये इसके जो हैं पैकेट्स हैं। और इसमें पैकेट्स कितने हैं, हेलो अपडेट क्यूरी और रिप्लाई, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई काम नहीं।
अब राउटर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, यहाँ पे भी राउटर जो है उसने भी जीरो एरिया से स्टार्ट होना है. राउटर आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, ठीक है. इसकी भी जो आपकी लाइक प्रोसेस आईडी है वो आप जीरो भी लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो, लेकिन वन से प्रोसेस आईडी स्टार्ट होती है. एरिया का मतलब होता है वो जीरो से स्टार्ट होगा. ये डिफरेंट इसकी चीजें लिखी हुई है कि वो कितना डिले लेता है. लाइक EIGRP का अगर कनेक्शन हो, हेलो की रिक्वेस्ट हुई, फिर वो डेटाबेस में जाएगा, फिर वो लिंक स्टेट की रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर अपडेट करेगा, देन एक्नॉलेज करेगा. तो ये OSPF का था, ठीक है. ये अब डिफरेंट शॉर्टकट चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि कमांड्स वगैरह हैं, लूप बैक के बारे में बताया हुआ है, प्रोसेस आईडी के बारे में बताया हुआ है, ये एरिया के बारे में बताया हुआ है. एरिया एक बैकबोन एरिया होता है, बाकी उसके साथ अटैच होते हैं. ये उसी मैंने आप लोगों को नोट्स भी पढ़ाए थे इसके. ये इसकी कमांड्स हैं OSPF की. बाकी सिंपल काम तो करना ही करना है ना, हमने आईपी तो देना ही देना है. ये तो एक नेटवर्क ऐड करना है. आपने जब एक कम्युनिकेशन करनी हो बड़ी हाई लेवल के ऊपर, तो फिर तब हम जो है ना इस तरह नेटवर्क ऐड करते हैं. और ये भी मैंने बताया था वाइल्ड कार्ड मास्क होता है और उसमें एरिया भी देते हैं, और ये प्रोसेस आईडी होती है. EIGRP भी सेम वैसे ही है, ये प्रोसेस आईडी है. ये देखें नेटवर्क ऐड किया, वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ ही काम किया है. अगर मुझे कोई कमांड रिमूव करनी है, कोई भी कमांड मुझसे गलत लिख हो गई है, ठीक है, तो मैंने उससे पहले नो लिख देना है. नो राउटर रिप हो गया, नो आईपी, नो नेटवर्क, यही वाली कमांड रिपीट कर दे. नो लिखने से आगे वो ये रिमूव हो जाएगी. और ये जो आपकी कमांड है शो रनिंग कॉन्फिग, इसको मैं करके दिखा देती हूँ. शो रनिंग हाइफन कॉन्फिग, ये देखें आप लोग. ये देखें करंट कॉन्फ़िगरेशन 730 बाइट्स है. इसका वर्जन ये है, जो भी आपका ये सिस्टम है, ये जो सिस्को का टाइम स्टैम्प बताई हुई है. नो सर्विस पासवर्ड, मैंने कोई इंक्रिप्शन नहीं लगाई, अगर लगाई होती तो वहां यहाँ पे शो हो जाता. होस्ट नेम क्या है इसका, राउटर ही है. आप देख ले अगर पासवर्ड होता वो भी इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी थी. अगर मेरा होस्ट नेम भी बता दिया, देखे राउटर ही है ना मेरा होस्ट नेम, मैंने तो चेंज नहीं किया, ठीक है. आईपी स्पेसिफिकेशन सिंपल है, आईपी वर्जन जो है वो 6 अभी नहीं यूज किया मैंने. हाँ जी, ट्रबल शूटिंग क्यों हो गई, बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया कितनी इसकी प्रोसेस आईडी की रेंज होती है. शो आईपी OSPF नेबर, कल हमने कमांड करके दिखाई थी. शो आईपी प्रोटोकॉल की भी बता दी. शो आईपी इंटरफेस OSPF वाली भी बता दी. अच्छा, मुझे अगर अपनी ही राउटर को लूप बैक बनाना हो तो ये कमांड होती है इंटरफेस लूप बैक वन, ठीक है. ये राउटर आईडी भी आप लोगों को बता दी थी मैंने. अगर मुझे अपनी कोई प्रोसेस रिमूव करना है, लाइक रीलोड कमांड करनी है, तो मैं क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस लिखूंगी. मैंने नहीं लिखना वो कमांड रिमूव हो जानी है वहां से. क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस, ये भी कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है, ठीक है. ये मैं करके दिखाती हूँ, इंटरफेस लूप बैक वन. इंटरफेस लूप बैक वन, हाँ जी, ये क्या कह रहा है, इंटरफेस लूप बैक वन स्टेट चेंज हो गई है. ये अपने आप में, मतलब ये राउटर ने अपने आप पे भी एक लूप लगा ली है. जैसे वो लूप लगाने के लिए हम थोड़ा सा कर्व देते हैं ना उसी पोर्शन के ऊपर, इसने भी अपने ऊपर लूप लगा ली है कि मतलब ये खुद को भी डाटा सेंड करेगा और बाकियों को भी सेंड करेगा. आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ जी, आप लोग अगर देख सकते हो तो देखें इसके ऊपर, इस लूप बैक के ऊपर मैं आईपी भी दे सकती हूँ. मुझे फिर अब ये जैसे ये फास्ट ईथरनेट के अंदर जाती हूँ ना मैं, इसी तरह मुझे जाना है इंटरफेस लूप बैक वन, यहाँ पे मैं आईपी दूंगी. मेरी बात सुन रहे हैं?
जैसे मैं देती हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 देती हूँ, तो फिर उसके अंदर जाके आईपी एड्रेस मेंशन करती हूँ. तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी दिया, पोर्ट तो इसकी ऑटोमेटिकली अप हो चुकी है. Like host name, R1 कर देती हूँ मैं. अब देखें इसका नाम चेंज हो गया, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कमांड बता दी थी, R1, ठीक है. इनेबल पासवर्ड, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कमांड, इनेबल पासवर्ड ABC, पासवर्ड लग गया. इनेबल सीक्रेट सिस्को, ठीक है, ये लगा दी, दोनों लग गए हैं. पासवर्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और आपके इनेबल जो सीक्रेट है वो सिक्योर होता है. अब लाइक अगर मैं अपनी ये कंसोल वाली मैं लिखती हूँ, मुझे शो की कमांड किसी और मोड में चलानी है प्रिविलेज मोड के अलावा, सिंपल हैश मोड के अलावा, तो मैं उससे पहले डू लिखूंगी शो रनिंग, शो रनिंग कॉन्फिग. अब अगर आप लोग देखें तो अब इसकी इतनी बाइट्स इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि इसमें डाटा और हमने और कमांड्स मेंशन की हैं, और कमांड्स डालते जाएंगे इसकी बाइट्स बढ़ती जाएंगी. होस्ट नेम क्या हो गया, R1 हो गया. अब ये खुद देखें, उसने इनेबल जो पासवर्ड किया है वो ABC तो शो करवा दिया, सीक्रेट वाला तो देखें जरा, सीक्रेट वाला तो नजर नहीं आ रहा ना आपको, तो सीक्रेट वाला सिक्योर हो गया ना इससे. तो ये चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. ये वही चीजें ही हैं. अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी लाइक कंसोल, टेलनेट, SSH, ठीक है, सिक्योर हैश, सिक्योर सिंपल और अनसिक्योर. टेलनेट रिमोटली एक्सेस, दोनों जो है ना रिमोटली एक्सेस के लिए होता है. लाइक मैंने अपने घर में एक्सेस करनी है तो मैं टेलनेट और SSH को यूज करूंगी. तो ये राउटर की एक्सेसिंग होती है, एक होता है ऑक्सिलरी केबल, ठीक है. ये टेलीफोन लाइन पहले एक्सेस होती थी, आपने 3 लाइंस नेटवर्क है, एक लाइन कंसोल होता है, एक लाइन BTY होता है, इसका मतलब है टेलनेट या फिर SSH, और एक होता है लाइन ऑक्सिलरी मतलब ऑक्स केबल. अब मैं ये वाली आप लोगों को करके दिखाती हूँ. इसकी कमांड मैंने सिंपल लिखनी है, लाइक मैंने कंसोल को लगाना है. मैंने आपको बताया था ना, आपने में से किसी ने पूछा था कि पोर्ट को भी लॉक किया जाता है. हाँ जी भाई, अगर आप पोर्ट को लॉक कर देते हैं तो कोई भी पोर्ट लगाता है वो उसको रन नहीं कर सकेगा, उसने पोर्ट का पासवर्ड मांगना है. फिर उसके बाद लाइन BTY है, जैसे ये देखे लाइन कंसोल था, लाइन BTY था, लाइन ऑग्स होगा, ठीक है. और इसकी भी रेंज जो है वो 1 से 15 तक है, मतलब कि 1 से लेकर 15 तक कनेक्टेड हो सकते हैं, इससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो सकते PC, 1 to 15, ठीक है. इसका मतलब है 0 मतलब एक यूजर, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 से लेकर 1 से लेकर 15 है, जो भी है, इसका मतलब है कि 1 यूजर है. लेकिन लाइन BTY इस तरह लिखा हुआ है 0 space 4, तो इसका मतलब है 5 यूजर, 0 से लेकर 4 तक. अगर यहाँ पे 5 होता, 0 से लेकर 5 तक कितने होते हैं, 6 यूजर, मतलब कि एट अ टाइम 6 यूजर अटैच हैं. तो ये इसकी जो कमांड्स हैं वो चीजें लिखी हुई हैं. CR कैरेज रिटर्न की कमांड है, ये आप उधर लगाएंगे लाइक अपनी CMD के अंदर, ये कमांड्स हैं आपकी, ठीक है. ये जो है लाइन कंसोल के अंदर जाते हैं, कंट्रोल जी किया मैंने, लाइन कंसोल पोर्ट, लाइक मेरी पोर्ट 0 है, लेट्स पोज करें मेरी पोर्ट 0, इसलिए क्योंकि इसने एरर दिया है कि यहाँ पे कोई पोर्ट 0 नहीं है, ठीक है. सॉरी,
ये नहीं आना होगी जीरो पोर्ट आप लोगों की अटैच, ये देखें अब मेरी जीरो पोर्ट के ऊपर जो है मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गई हूँ। ये होता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन लाइन। अच्छा ये क्यों लगाया जाता है, लाइक मैं भी मैनेजर हूँ और मेरे से सब मैनेजर है, मैं सिर्फ किसी को एक्सेस देना चाहती हूँ तो मैं उसको जो है ना कंसोल का पासवर्ड दूंगी। अब मैं कंसोल मोड के अंदर आ गई हूँ, उन्होंने लॉग इन किया, ठीक है, लॉग इन डिसेबल ऑनलाइन टू अनटिल पासवर्ड इज सेट, वो कह रहे हैं पहले पासवर्ड सेट करें। ऐसे होगा, लेट्स, हाँ जी पासवर्ड सेट हो गया, अब मैं लॉगिन करने लगी हूँ। लाइक अब वो मुझसे ये उसने क्वेश्चन नहीं किया, उसने कहा कि आपका पासवर्ड सेट हो गया, मैंने लिखा पासवर्ड 123, ठीक है पासवर्ड 123। अब इतने सारे पासवर्ड है वो कीप ही ना हो जाए मेरे से। इसी तरह अगर लाइन मैं देती हूँ VTY 0, अब ये लाइन VTY वो दूसरा वाला लग गया, ठीक है, यहाँ पे भी पासवर्ड सेट कर देती हूँ मैं, सेम कर देती हूँ 123, ठीक है। अब ये लॉगिन का नहीं, लॉगिन मैं आपको करके दिखाती हूँ कहाँ पे होना ये। फिर लाइन और ये कमांड कंप्लीट नहीं है, हाँ जी, अब ये इसके ऊपर भी लग गया, यहाँ पे भी पासवर्ड सेट किया मैंने सेम 123, सेव की कमांड है W, अच्छा मैं इनेबल करने लगी हूँ, इनेबल किया, एक मिनट मैं आप लोगों को वो चीज दिखानी के पासवर्ड लगा हुआ है। अच्छा इनेबल किया, मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने तो इससे पहले सिंपल पासवर्ड भी लगाया, मैंने पासवर्ड लगाया था ABC, एंटर किया, अब यहाँ पे फिर वो पासवर्ड मांग रहा है, अब वो दूसरा वाला पासवर्ड लिखना है सिस्को, नजर नहीं आ रहा लेकिन मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। अब ये मेरा प्रिविलेज मोड आ गया, मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाने लगी हूँ, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में आई मैं, मैंने लिखा लाइन कंसोल 0, लॉगिन का आता है, यहाँ पे आ नहीं रहा, करके दिखाती हूँ मैं किधर हो, क्योंकि मेरा टेलनेट अभी मैंने सेट ही नहीं किया, इस वजह से ये जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप लोगों को कैरिज रिटर्न वाली भी करके दिखाती हूँ, जो अभी ये चीज़ें आप लोगों को कमांड इसलिए बताई हैं मैंने कि जब आपसे कोई क्वेश्चन भी करे आपको ये पता तो होना चाहिए ना। और एक और रीज़न है इसकी कि अब आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है और खुद लर्निंग जो है ना वो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। जैसे अब ये कमांड लिख रही हूँ मैं, आई थिंक ये ऐसे चलेगी, टी आर लिखते हैं सिंपल, आई थिंक कैरिज रिटर्न, वो इसलिए आया क्योंकि हमने कोई अपना अभी पासवर्ड ऑन कंसोल राउटर के एक्सेसिंग को सेट नहीं किया।